तो दोस्तों सनी देओल सर की फिल्म गदर 2 को रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों 8 दिन का गदर 2 फिल्म का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है, जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पठान फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हुआ था और क्या गदर 2 फिल्म पठान फिल्म के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हमेशा आप सभी लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गदर 2 फिल्म के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि गदर 2 फिल्म अभी तक कितने करोड़ रुपया कलेक्शन किया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि गदर 2 फिल्म अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपया कलेक्शन किया और वही दूसरे दिन 43 करोड़ रुपया का और तीसरे दिन 52 करोड़ रुपया का और चौथे दिन 39 करोड़ रुपया का और पांचवें दिन 55 करोड़ रुपया का और छठे दिन 32 करोड़ रुपया का और सातवें दिन 23 करोड़ रुपया का और आठवें दिन 21 करोड़ रुपया का। तो इस तरह से गदर 2 फिल्म अभी तक 305 करोड़ रुपया कलेक्शन कर चुका है। और दोस्तों अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब तक इसके 9वें दिन का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है, जो कि है 20 से 25 करोड़ रुपये के आसपास की। तो दोस्तों इस तरह से गदर 2 फिल्म अभी तक 325 से 330 करोड़ रुपये कलेक्शन कर चुका है। और वही बात करें कि गदर 2 फिल्म पठान फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं, तो आप सभी को बता दूं कि पठान फिल्म का नेट इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 543 करोड़ रुपया है, जिसको तोड़ने के लिए गदर 2 फिल्म को अभी भी 200 करोड़ रुपये से ज्यादा ही कलेक्शन करनी होगी। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि गदर 2 फिल्म पठान फिल्म के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।